हे गाइस, आज की वीडियो है गेट रेडी विथ मी महाशिवरात्रि। जी हाँ, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ और आज की वीडियो मेकअप वाली होने वाली है। बहुत सिंपल लुक किया है मैंने, बट स्टार्टिंग में कुछ और ही प्लान था मेरा, बट एंड में पता नहीं क्या ही लुक मेरा क्रिएट हो गया। थोड़ी सी मैं बंगाली टाइप दिखने लग गई, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लग रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी सी बंगाली टाइप लग रही थी मैं, और जो मैंने बिंदी का इस्तेमाल किया था उसको मम्मी को सोचते हुए याद किया था, क्योंकि मम्मी मेरी पहले उस तरीके से बिंदी लगाती थी, तो मुझे लगा कि आज हम भी ट्राई करते हैं। तो कुछ और सोचा और कुछ और हो गया, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड तक कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं। सो थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट करी है, अगर मैं फास्ट नहीं करती तो ये पूरी वीडियो पूरी बन रही थी 15 मिनट की, तो इसीलिए मुझे थोड़ा इसको फास्ट करना पड़ा। बेसिकली बहुत कम मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ऑफकोर्स महाशिवरात्रि में या फिर ऐसे कोई प्रोग्राम में इतना कोई मेकअप नहीं यूज़ करता। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो इतना कोई मेकअप यूज़ नहीं करता है, बट फिर भी हम सोचते हैं कि हम अच्छे दिखे, क्लासी दिखे, थोड़े से लुक वाइज अच्छे दिखे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मेकअप तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा मेकअप, और यहाँ पे जो मैंने आई शेडो यूज़ किया है बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया है, गोल्डन कलर का एकदम, मतलब हाथ से स्प्रेड कर लिया है मैंने। ब्रश का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ना फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल किया, ना किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। और आज की लिपस्टिक भी डार्क बिल्कुल नहीं है, आज की लिपस्टिक एकदम म्यूट है। मतलब मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग लगाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट कलर का लिपस्टिक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने लगा लिया थोड़ा सा हाइलाइटर, जिसके बिना कोई भी मेकअप कंप्लीट होता ही नहीं है। और यहाँ पे जितया मुझे बुला लेती है, मम्मा आ जाओ, यहाँ पे वो मेरे प्यार के पास बैठी है, बैठी कि नहीं या किसी किसी की आ जाती है का समझ ही नहीं आता क्या होता है उसको। उसके बाद लगा लिया हमने लाइनर। सो ये गेट रेडी विथ मी जो मैंने वीडियो बनाया है, सच में गेट रेडी विथ मी है। अगर आप ऐसा रेडी होते हो तो कम से कम मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ लगाया ही नहीं है मैंने, बिल्कुल भी इतना झंझटमारी वाला काम नहीं है। एक हाउस वाइफ के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और आप इतने हर चीज़ मैनेज करने के बाद आपको अपना भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपना तो आपका भी लुक ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर इवेंट में आपको भी परफेक्ट होना चाहिए और हर तरीके से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ऑल ओवर मिला के यही है। तो मिला जुला के लास्ट में ये हो गया, लाइनर लग गया मेरे आईज के नीचे। तो फिर मैंने बोला कि उसको हम ख़राब नहीं करेंगे, अगर उसको मैंने हाथों से रगड़ने की कोशिश की या फिर पोछने की कोशिश की तो ये ऑफकोर्स फिर से पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद हाथों से निकाल लेंगे या फिर किसी और चीज़ से उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लिपस्टिक यूज़ की, थोड़ी सी डार्क में मैट में यूज़ की थी लिपस्टिक रेड में, उसके बाद मैंने यूज़ करी है एकदम लाइट कलर, तो इस तरीके से उसका शेड आया है। उसके बाद हम पहनते हैं इयर रिंग्स वगैरह। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने गेट रेडी विथ मी किया है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाद में मैंने बिंदी लगाया, बिंदी लगाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा टिपकी दे दूँ, जैसे वो कुमकुम वाली चीज़ें आती हैं कलर वाली चीज़ें, वो मुझे बड़ी पसंद है। मैंने अभी गई थी मुंबई तो मैंने वहाँ से लिया था, तो बिंदी के पीछे बिंदी के नीचे मैं उसको 3 डॉट देने की कोशिश करती थी, बट वो डॉट देते 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 मैंने पूरा राउंड ही बना दिया, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया। ये मैं ढूंढ रही हूँ अपनी बिंदी, मैंने यहीं कहीं लगाती हूँ, क्योंकि दिक्कत जो है ना मेरी बिंदी निकाल के खाने लग दी है। इस तरीके से मेरा लुक हो गया। अब ये मैंने सोचा कि एक जूड़ा बना दूँ, बट मेरे बाल में इतने सारे तेल थे कि जूड़ा बनाने की मतलब जम नहीं रहा था मुझे। उसके बाद मैंने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ क्या लगाया, क्लचर से बालों को इस तरीके से बना लिया। उसके बाद लगा लिया 2 फ्लावर, ये हैक भी हो गया एक तरफ से, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप इस तरीके से रेडी हो सकते हैं। उसके बाद जो मेरे छोटे छोटे बाल थे उसको हमने अपना ट्रिक लगा के इस तरीके से चिपका दिया। ये हम कर तो लेते हैं, बट ये ना बाद में सूखने के बाद इतना कड़क सा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ये ठीक है, काम चलाऊ तो है ही है, बट अगर आप नेक्स्ट डे बाल धोने वाले हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर मत करो। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि बाल इतने कड़क हो जाते हैं ना उसके बाद दर्द होते हैं, तो मेरे तो अक्सर होते हैं। अगर आपने किया तो आपके होते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर ऐसा होता है क्या।
तो ये ट्रिक तो होती है, ऑफ कोर्स छोटे छोटे बाले मेरे बहुत ज़्यादा हैं और आजकल मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे बाल बहुत कम हो चुके हैं, इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि ये सूख गया था। उसके बाद पूरा किया अपना मेकअप मैंने काजल से, क्योंकि काजल के बिना कोई भी मेकअप तो मेरा कंप्लीट होता ही नहीं है, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया काजल। उसके बाद मैंने लगाया वो टिपकी वाला जो मैं आपको बता रही थी। सो बस ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने लगाते लगाते पूरा राउंड में मैंने लगा दिया, तो फिर यहीं पे मेरी वीडियो हो चुकी थी ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और